इसके काफ़ी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं। हमें ये पता लगा है कि ये जहाँ जहाँ रहा है वहाँ कोई ना कोई ये या तो जेल में रहा है या इसने कोई ना कोई केस किया हुआ है। इसमें जो बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स की इंजरी हैं वो एंटीमार्टम है और उसके बाद में उसने एक ब्लंट इंजरी टू द हेड, उसकी वजह से बच्ची की डेथ है। इसने मतलब सुबह बच्ची को एल्योर करके रात तक जो है रात के बाद ऑलमोस्ट लेट नाइट जो है उसने जा करके डिस्पोज ऑफ किया। चंडीगढ़ के हलूमाजरा में एक हैवानियत का मामला सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और एक हीरा लाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक 8 साल की बच्ची अचानक लापता हुई थी और उसके बाद उसकी बॉडी दूसरे दिन एक झाड़ियों में मिली थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए बिहार से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ सीनियर ऑफिसर हैं। एसपी सर, ये पूरा मामला हालांकि बड़ा ही बेरहमी से कत्ल किया था जब बॉडी रिकवर की गई थी आपकी तरफ से, लगातार टीमें भी लगी थी, ये पूरा मामला क्या था, आखिर कैसे उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया? ये सब डिवीजन साउथ इसके थाना 31 में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी 19 जनवरी को कि एक बच्ची मिसिंग है। 2 दिन बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फर्दर जब उसकी सर्च हो रही थी तो हमें उसकी डेड बॉडी भी मिली। डेड बॉडी मिलने के बाद में हमने रेलिवेंट सेक्शंस जो हैं 376 के और 302 के और 6 पॉक्सो एक्ट के ऐड किए। एक टीम बनाई गई दलवीर सिंह भिंडर SDPO साउथ, इनके अंडर में तीनों SHOs के लीडरशिप में जिसमें हल्लोमाजरा चौकी इंचार्ज ये सभी लोग शामिल थे। ये तीनों टीमें हमारी 3 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इनमें 7 दिन तक पड़ी रही, ऑलमोस्ट कवरिंग एन एरिया ऑफ 2,200 किलोमीटर्स। उसके बाद में फाइनली ह्यूमन एंड और टेक एंड दोनों को यूज करते हुए हमें पता लगा कि ये एक्यूज शायद आ रहा बिहार में मिल सकता है। वहां पर हमने तुरंत रेड करी और रेड करने पर जो है इसको वहां से हमने अप्रिहेंड किया। सर, इसकी जो बैकग्राउंड है क्रिमिनल बैकग्राउंड को सामने है, क्योंकि बड़े शातिर तरीके से बुरी वारदात को अंजाम दिया और फरार हो। इसके काफ़ी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं। हमें ये पता लगा है कि ये जहाँ जहाँ रहा है वहाँ कोई ना कोई ये या तो जेल में रहा है या इसने कोई ना कोई केस किया हुआ है। खासकर केसेस जो हैं वो पेटी इंसिडेंट्स हैं, थेफ्ट के इंसिडेंट्स हैं, तो हम इसमें और भी पता करा रहे हैं कि इसके जिस जगह पर ये रहा है वहाँ पर क्या क्या क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रहे हैं। सर, क्योंकि बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया था, तो स्टार्टिंग इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? इसने पहले चाकू से गोदा था बच्ची को या गलत काम किया? इसमें जो बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स की इंजरी हैं वो एंटीमार्टम है और उसके बाद में उसने एक ब्लंट इंजरी टू द हेड, उसकी वजह से बच्ची की डेथ है। तो सर, इसने पूरी वारदात को अंजाम दे उसी दिन सेम डे ही इसने डिस्पोज ऑफ की थी या सेकंड डे इसने डिस्पोज ऑफ, क्योंकि उस दिन तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी सर्च ऑपरेशन? इसने मतलब सुबह बच्ची को एल्योर करके रात तक जो है रात के बाद ऑलमोस्ट लेट नाइट जो है उसने जाकर के डिस्पोज ऑफ की थी। सर, टेनेंट वेरिफिकेशन की आपने बात की, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का पर्सन कोई रहता है उसके बारे में नई जानकारी होती है, किस तरह से मुहिम के तहत या लोगों को अवेयर कर रहे हैं? इसमें हम लोगों ने हमेशा ही अपील की है सभी जो ओनर्स हैं घरों के, खासकर इन एरियाज के, कि वो लोग रेगुलर टेनेंट वेरिफिकेशन कराते रहें। पुलिस स्पेशल कैंप भी लगाती है। आपके थ्रू मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें क्रिमिनल प्रोविजन भी है, अगर वो ये नहीं कराते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है, पर्चा दर्ज किया जा सकता है और हमने कुछ केसेस में रिसेंटली पर्चे दर्ज किए भी हैं 188 IPC के अंदर। तो हम इंश्योर करेंगे कि एक तो टेनेंट वेरिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और अगर कोई कराने से मना करता है या हिचकता है या जानबूझ करके नहीं कराता है तो हम 188 IPC के अंदर उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेंगे। तो बिल्कुल, एक पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो जाता है। बहुत ही टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बहुत ही बेरहमी से आरोपी ने 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की। पहले उसके साथ गलत काम किया गया, उसके चाकुओं से गोद कर उसको मारा गया और उसके बाद फिर उसको बॉडी उसकी डिस्पोज ऑफ करके वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस मामले में हीरालाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर किस तरह से पिछले बैकग्राउंड है, क्या क्या चीजें सामने हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।